हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूली के पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे, वो भी ढेर सारी स्टफिंग के साथ। यकीन मानिए, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूली के पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप आटा लिया है, यानी कि 500 ग्राम के लगभग। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जितना मैंने आटा लिया है उसमें से 3 से 4 लोगों के लिए सफिशेंट होगा। तो आप क्वान्टिटी का ध्यान रखें कि आप कितने लोगों के लिए पराठा बना रहे हैं। और इसका आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, जो हम नॉर्मली रोटी का आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा हमारा सेट होगा, इतने में हम मूली का स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको हम ढक देते हैं और मूली का स्टफिंग बना लेते हैं। मूली का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मूली लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको छील लेंगे। इसको दोनों तरफ से पहले अच्छे से कट कर लें और इसके बाद इसको हम अच्छे से छील लेंगे, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और मैंने मूली को छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो जो मीडियम साइज का ग्रेटर होता है उसी से हम कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसको चॉप कर सकते हैं। यदि आपके पास चॉपर है तो उसमें जल्दी हो जाता है। इसको हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे सारे मूली को। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। अब हम इसका पानी निचोड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है मूली में, इसके लिए हम एक कॉटन के कपड़े में मूली को इस तरह से डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ मूली को। और इसके बाद हम इसका पानी निचोड़ेंगे। और पानी इसको बहुत ही अच्छे से निचोड़ना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप निचोड़ सकते हैं इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। और ये देखिए, 1 kg मूली में इतना सारा पानी निकला है। इसको आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आटा गूंथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मूली को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तभी ढेर सारी स्टफिंग हम पराठा में भर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचून का पाउडर, 1 छोटी चम्मच क्रश किया हुआ धनिया। आप चाहे तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रश किया हुआ धनिया से पराठा में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें हम जीरा डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कटे हुए 4-5 हरी मिर्ची। मीट की क्वांटिटी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना तीखा पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक प्याज डाला है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। इसके बाद हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज यदि आप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ यूज़ करना है। आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आटा को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो आटा को हम 1-2 बार इस तरह से मिला लेंगे और इसके बाद हम जितने बड़े साइज के हमें पराठा चाहिए उतने बड़े लोइयों को तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे सूखा आटा लगाकर। इसके बाद हम इसे कटोरी की तरह बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी बनकर तैयार हुई है। और इसमें हमें ढेर सारी स्टफिंग भरना है, 2 से 3 चम्मच भर के। जितना ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बनकर तैयार होगा। पर और इस तरह से स्टफिंग को डालते जाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये सेट होता जाए। ये देखिए, और इसके बाद हम इसको चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद अच्छे से सील करना है ताकि पराठा फूले नहीं। और ये एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से चिकना कर देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हम बेलेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है इस तरह से। या फिर आप चाहे तो हाथों से प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हो बिना बेलन के। और एक पराठा को मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। इसकी मोटाई दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी मोटाई में बेलना है। तो अब हम सावधानी से पराठा को इस तरह से उठाएंगे और इसके बाद हम इसको सीधा गर्म तवे पर डालेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पर पराठा को सेकेंगे इस तरह से जब फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से पराठा को हम अच्छे से पका लेंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी कुक हो गया है। इसके बाद हम इसमें घी या बटर डालेंगे और पराठा में अच्छे से लगा देंगे दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से प्रेस करते हुए। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आप ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, एक पराठा बनकर तैयार हुआ है। बाकी के सारे पराठे हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बिल्कुल ढाबा स्टाइल
मूली के पराठे बनकर तैयार है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ या दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप सेम स्टेप को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं कि स्टफिंग देखने से कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप इस पराठा को बनाइए, इंजॉय कीजिए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।